अभी लगभग शाम का टाइम हो रहा है और मैं चाय पी रही थी शाम की, तो मैंने चाय बनाई हुई है। और अभी और आज ना कार्तिक का फर्स्ट डे कोचिंग जाने का टाइम है, मतलब दिन है आज, तो आज है 2 तारीख। कल से जाना था लेकिन कल से वो जा नहीं पाया, काफ़ी उजाला है। तो आज ना अभी मतलब आज से गया है, क्योंकि मैंने उसकी कॉपियाँ ना ठीक ठाक से जमा नहीं पाई थी और मैं भूल गई थी कि कल तारीख थी 1, इस वजह से कुछ नहीं हो पाया था। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ ना पानी आ रहा था ना, क्योंकि ये हमने ऊपर तक मतलब बौछार से आता है ना पानी। और अभी देखिए बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है, आज हो रही है बारिश। तो ये हमने लगा लिया क्योंकि है ना इधर से ना पूरा हर रूम में पानी आ जाता था यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दिया हमने अच्छे से, तो गीला नहीं होगा ज़्यादा और अच्छा भी लग रहा है। पॉलीथीन का जो पर्दा है ना वो बन गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और कार्तिक को जब हम छोड़ने गए थे ना, आज मैं भी गई थी, फर्स्ट डे था, तो आज ना मैं भी साथ में गई थी क्योंकि मैडम से कुछ बात करनी थी, डिस्कसिंग, इस वजह से मैं गई थी। तो वहाँ से ना रास्ते से ये देखी, मेरे हस्बैंड ने मीठी नीम तोड़ दी वहाँ पर, मतलब कि घर में पेड़ लगा था किसी क्या, तो वहाँ से ले ली हमने, ख़त्म हो गई थी। बहुत पहले ना मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सारी ला कर दी थी, वही चल रही थी अभी तक, मैंने ना ड्राई करके अच्छे से डब्बे में भर के रख दिया था। ये काम तोड़ा है, कच्चा है ये ऊपर वाला, मतलब हमारे घर का आम है, तो ये तोड़ा है। और बस और अभी ये देखो, आज ना अच्छा हुआ दोपहर में ना कपड़े मेरे सूख गए सारे, ये देखो सब डले हैं यहीं पर, इनको फोल्ड करना है और कपड़े फोल्ड करूँगी। किचन का तो काम बस कंप्लीट है, अभी कुछ नहीं है, बस एक चाय का डंका बस है, चाय मैंने बनाई ना अभी, तो वो बस है, बाकी बर्तन मेरे धुले हुए रखे, पूरे धुले, इनको जमाना बस है, और एक डंका बस है चाय का। ताबिल तो जी इसमें डाली, नहीं धोए नहीं है, गीला गीली थी तो सूखने डाल दी जी। लो सोचते रहते हो कि पूरे घर को देखते रहते हो यहाँ वहाँ, हैं कोई विचार है बताओ का? अब चाय पूरी ख़त्म नहीं करना मैं सोची तुम क्लिनिक चले गए, तो मैंने अपने लिए बनाई पूरी पीली, एक आध घूट देख रहे हैं हमें चाय में, चाय देख रहे, एक घूट चाय दे रहे, तुम्हारा पता आता नहीं रहता है। मैं सोची कि तुम्हारा टाइम हो गया, देखो ना बच तो गए ही, तो मैंने इसलिए अपने लिए बनाई। और चाय देखो पूरी ख़त्म कर दी, जरा सी चाय दी मेरे को, दो है ना, कोई बात नहीं, मैं भी एक बार और बनाऊंगी रात में। आज अच्छा ठंडा मौसम हो गया वैसे बारिश होने से, है ना, अच्छा ठंडा वाला मौसम, उसी में मिक्स कर दे दूंगी कपड़ा। उसके बाहर एक दिन है ना अलग, पक जाता जी आम, तो तुमने आम को कच्चा ही तोड़ दिए, इनने तोड़ दिए आम, मैं बता रही थी ना अभी आप लोगों को, मेरा आम तोड़ के रख दिए कच्चा, पक जाते तो अच्छा रहता।
मैं तो बताना ही भूल गई, ये जो है ना मीठी नीम ये लेकर आई थी, इसमें थोड़ी सी वो लगी थी, मतलब डंठल लगा हुआ था, तो वो मोटी सी थी तो मैंने उसको कटिंग करके ना लगा दी हूँ। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। और एक और फूल की कटिंग लेकर आई होंगी आप लोग, बताऊंगी मैं कि मतलब मैं ना अभी दो चार जो बोरी में मैंने गमले तैयार करे ना, तो फूल के देखती हूँ क्या क्या लगाती हूँ, जो भी मुझे अच्छा वाला मिलेगा ना तो मैं लगाऊंगी ना। वो तो अच्छे गुच्छे वाला फूल वाला है क्या ये लेके गए थे रास्ते से, मैंने तोड़ लिया, कटिंग से होता है कि नहीं। उसकी टाइम भी हो गई, पानी भी गिरता। हाँ यार उसकी टाइम हो गई, कार्तिक की स्कूल ट्यूशन से आने की टाइम हो गई। थोड़ी सी गपशप हो गई है चाय के साथ हम लोगों की दोनों की, और अभी अब चले गए मेरे हस्बैंड कार्तिक को लेने, क्योंकि उसका टाइम हो गया है ट्यूशन का, तो बस पहले वो आ जाए, आने ही वाला है। और इतनी देर में मैंने चाय भी पी ली, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। और अभी मुझे यहाँ पर ये कपड़े फोल्ड करने हैं, और आज है हमारे यहाँ की सैटरडे मार्केट, लेकिन ना इतनी बारिश हो रही ना कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है जाने की, क्योंकि इतना कीचड़ हो गया होगा ना सड़क पे बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मैं मुझे अखर रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर जितनी अच्छी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं उतनी मतलब फिर कहीं वहाँ लेने जाओ ना तो बहुत महंगी मिलती हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से मिल जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर देखते हैं बारिश अगर खुल गई और रुक गई तो मैं ज़रूर से जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, रुक गई तो। अभी है ना धीमी धीमी बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन अभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, क्योंकि वो रोड से ही आए हैं, तो वो बोल रहे थे इतनी खास दुकानें नहीं लगी हैं आज, तो देखते हैं क्या होता है। अभी दोबारा आ रहे हैं ना, फिर पूछूंगी उनसे, फिर उसके बाद जाऊंगी। जब तक मैं कुछ खाना वाना जो भी है मैं बना लूंगी, कुछ कुछ चीज़ें, सब्जी तो जब आएगी तब बनाऊंगी। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा देर ना करते हुए। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खूब ज़्यादा गपशप की कार्तिक को जब ट्यूशन छोड़ने गए थे उसके आने के बाद, और चाय वाय पी। तो मतलब होता है कभी कभी जब चाय मैं नहीं बनाती हूँ एक्स्ट्रा तभी इनको पीनी होती है, और ऐसे जब मैं पूछूंगी ना चाय पीना है तो फिर मना करते हैं कि नहीं पीना है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो गया था, मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी तो फिर कहते हैं मुझे भी पीना है, तो उसी में से मैंने फिर दे दी। हाँ मतलब पहले उन्हीं ने पी ली, फिर उसके बाद थोड़ी सी बचा दी थी। कार्तिक आ गया था ट्यूशन से और आके बस अभी लेट गया है, थोड़ा सा मोबाइल देख रहा है, मतलब कुछ कार्टून वगैरह देखता रहता है, और आजकल तो गेम वेम खेलना बिल्कुल से बंद ही कर दिया है। कितने दिन हो गए, सच में अच्छा लग रहा है कि कार्तिक ने गेम बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा गेम खेलता था पहले फ्री फायर, जब से स्कूल के और पहले से पता नहीं क्यों अब नहीं खेलता है, एकदम से जब डिलीट कर दिए ना तो तब से वो खेलता ही नहीं है, कार्टून वगैरह ऐसे छोटे मोटे देखता रहता है। तो थोड़े से कपड़े वगैरह सूख गए थे तो ये मैं उठा कर लेकर आई थी, तो मैं इनको फोल्ड कर दे रही हूँ फटाफट से, कपड़े फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद मैं अभी ये जो लेकर आई थी ना ये इनको धोकर रखना है, कड़ी पत्ता ये मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने रास्ते से एक जन के घर में लगे थे तो उनसे पूछ कर तोड़ लिए, तो काम आ जाएंगे अभी फ़िलहाल, और ज़रूरी भी होते हैं कढ़ी में और पोहे में तो खासकर लगता ही है। यहाँ जो छोटे मोटे काम जो हैं, दूध वाले अंकल आ गए थे तो फिर मैंने सोचा भी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम भी करते जाऊँगी, साथ के साथ दूध भी पक जाएगा। अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गई थी, आज मैंने बताया था सैटरडे, मतलब बारिश खुल गई थी अच्छे से, मतलब उस टाइम पे जब मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 5:30 ऐसे बज रहे थे करीब, तो तब उस टाइम पे ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, लेकिन मैं लेट ही गई थी, 7:30 बजे मैं गई थी, और आधा एक घंटे में मैं आ गई हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो सब्ज़ी वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं निकाली हूँ, थैला में है, और आज काफ़ी सारी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ, हरी भरी सारी सब कुछ। तो अभी मैं आज बना रही हूँ परमल, कितने दिनों से मेरे हस्बैंड को परमल खाने थे, तो वो है ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि परमल बनाना परमल लाना कभी, तो वो जब भी लेने मतलब सोचते थे कि भूल ही जाते थे, तो मैं ले ही नहीं पाती थी। आज मैं मतलब आज उन्हीं ने बोला डायरेक्टली आके कि आज परमल लाई तो पहले परमल ही बनाना
तो मैं वही सब्जी वगैरह कट गई थी, मैंने सोचा थैले में निकाल लेती हूँ अभी, आज इनको ना रात में ही मैं वॉश करके और किचन टावल पर किचन पे छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सूख जाएंगी। तो देखिए मैंने ये परमल को, मैं बीज सहित नहीं बनाती हूँ, बहुत से लोग बनाते हैं ना, जैसे कि सबका एक अलग अलग अपना तरीका होता है। तो ये मैं पूरा अच्छे से छील ली हूँ, उसके बाद बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने जितना भी वो अंदर का जो बीज वगैरह होता है वो सब मैंने हटा दिया है, क्योंकि हम वैसे नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये थोड़ा सा तेल लिया, उसके बाद मैंने प्याज लहसुन और ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। आज मैं पहली बार प्याज डालकर बना रही हूँ, मतलब ये ऐसी सब्जियों में, क्योंकि मैं प्याज नहीं डालती हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। तो आज डाल दिया है, मैंने सोचा हल्की सी ग्रेवी टाइप में बन जाएगी, पर सूखी बनाऊंगी, ग्रेवी नहीं, मतलब हल्का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसमें, दिखेगा तो अच्छी भी दिखेगी। उस साइड कर दिया मैंने कढ़ाई को, इस साइड में बना रही हूँ रोटी, साथ के साथ रोटी भी बनाते जा रही हूँ, तो काम ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर भी हो गई थी, 9 बज गए थे लगभग, और सैटरडे वाले दिन तो खासकर मैं लेट हो ही जाती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ लाती हूँ ना तो फिर टाइम हो जाती है वहाँ से। और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मतलब मैं जाती हूँ ना जब तक मैं अपनी सब्जी भाजी लेती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड की क्लिनिक बंद हो जाती है तो वो मुझे लेते हुए आते हैं हर सैटरडे को, क्योंकि इतना सारा वज़न मुझसे बनता नहीं है ना हाथ की वजह से, तो वो मुझे देखते रहते हैं, तब तक वहाँ पर खड़े रहते हैं तो मुझे साथ में लेके आते हैं गाड़ी में। तो देखिए यहाँ पर इसी वजह से ना लेट हो जाती हूँ। तो बस खाना थोड़ा बहुत और कुछ रखा था, दाल आल चावल, और अभी यहाँ पर बस सब्जी हो जाएगी, और ये साथ के साथ मैं घी लगाते जा रही हूँ, तो ऐसी सब्जी में थोड़ा सा घी भी अच्छा लगेगा, इनको दे दूंगी। मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ घी में, घी लगाकर रोटियाँ, लेकिन इनको मैं दे देती हूँ, कार्तिक भी नहीं खाता मेरा, बस मेरे हस्बैंड खाते हैं तो उनको मैं दे देती हूँ। तो अभी अभी ना खा पी के फुर्सत हुए हैं और मेरा काम भी हो गया है, लेकिन यहाँ कचरा फैला है, कार्तिक को नींद आ गई है, सो गया है। कार्तिक अच्छे से सो, कैसे कर रही हो गर्दन सही से करो, रुको अभी, आजकल ना जल्दी सो जाता है, बहुत जल्दी नींद आ जाती है। यहाँ कपड़े मैंने ये वाले रखे थे फोल्ड करके, तो उसने यहाँ पे रख दिए सारे, क्योंकि उसको बिस्तर लगाना है, क्योंकि मैं कम से कम 1-1.5 घंटे से किचन में घुसी हूँ और किचन का काम कर रही थी। तो ये है मेरी किचन में सब्जियों का, सब्जियों की दुकान, सारी सब्जियाँ जो है मैंने धो धा के रख दी हैं, सब सब्जियाँ। देखिए आम भी बहुत सारे लेकर आई हूँ, 2-3 किलो आम है, और ये साग, इसको तो सुबह ही साफ करूँगी अच्छे से, तो क्लीन एकदम साफ़ सुथरी है। और जितने खाए पिए बर्तन थे वो भी मैंने धोकर रख दिए, खाना मैंने दूसरे बर्तन में करके रख दिया है। बस अब मुझे यहाँ पे थोड़ी झाड़ू मारना है और बिस्तर लगाना है कार्तिक का, और हम लोग भी, मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए, पता नहीं घूमने गए ना तो टाइम लगाते हैं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, और बज गए हैं 11:45 बज रहे हैं, 5 मिनट ज़्यादा हो गया है। और देखिए काम वाम पूरा एकदम कंप्लीट हो गया था, सिर्फ सब्जियां बस मुझे धोना बाकी थी, तो मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पर अच्छे से धोकर और यहाँ लाइन वाइज जमा दिया है, अच्छे से सूख जाएंगी। आम काफ़ी सारे आए हैं, इसकी मैं एक रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे न्यू व्यूवर्स जितने भी जुड़ते हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।